बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग क्लास 5 लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट टुडे पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन आज हम अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। ए एंड बी पार्ट में आपको खुद से सॉल्व करवाऊंगी, सी टू एफ पार्ट आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व द फॉलोइंग, हमें इन डिवीजन को सोल्व करना है। स्टूडेंट्स फोर्थ क्लास में भी हम लॉन्ग डिवीजन करके आए हैं, थ्री क्लास में भी हमने की है, अब नेक्स्ट रिपीट हो रही है क्वेश्चन क्लास 5 में। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है 746,028 डिवाइडेड बाई 38। इसको हमने डिवाइड करना है इस अमाउंट को 38 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 38 का टेबल रफली साइड पर राइट कर दें लाइक दिस। सबसे पहले 38 2s are 38 3s are 38 4s are 5s are 6s are 7s are, इस तरह आप पूरा टेबल लिख लें, ये आपके लिए इजी होगा। अब आप देखें यहाँ पर टू डिजिट्स लिए, दिस इज 74। हमने 38 के टेबल में 74 से या तो छोटा डिजिट लेना है या इक्वल लेना है। अब आप देखें 2s are 76 ग्रेटर आ गया ना इससे, इसलिए हम क्या करेंगे, 38 1s are 38 एंड 14 में से 8 गए 6 एंड 5 6 में से 3 गए 3। अब हम किस डिजिट को नीचे डाले हैं, 6 को। अब आप स्टूडेंट अपने टेबल राइट किए हुए में देखेंगे 38 के टेबल में 366 या उससे छोटा डिजिट कौन सा आता है, तो वो क्या था, 9s are 342, माइनस किया 0 नीचे उतारा, 38 6s are 228, माइनस किया 2 नीचे उतारा, 38 3s are 114। ठीक है, आपने या तो इसके इक्वल लेना है या फिर इससे ग्रेटर नंबर लेना है। नेक्स्ट फिर आपका रिमाइंडर बच गया 88 एंड 38 2s are 76 आ गया और 12 इज रिमाइंडर। बी पार्ट भी आपका सेम एज इट इज ऐसे ही है, आपने ऐसे सेम जैसे टेबल राइट किया, ये आपके लिए इजी होगा। 64 का टेबल राइट कर लेना है, मतलब 64 2s are like this, 64 2s are 3s are, इस तरह से, इस तरह आप लिख लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 64 3s are 192 आया, टू डिजिट नहीं हम ले सकते बिकॉज ये छोटे थे, 23 smaller than 64, इसलिए हमने थ्री डिजिट लिए। अगर थ्री डिजिट्स भी छोटे होते तो स्टूडेंट्स हम क्या करते, वेरी गुड, फोर डिजिट ले लेते। इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया। अब स्टूडेंट इनके सी से एफ तक पार्ट आपने खुद से अपनी नीट कॉपी पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।